परा में स्कूली छात्रा से शिक्षक द्वारा रेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दरभंगा में भी कुछ ऐसा ही घटना दोहराई जा सकती थी, लेकिन छात्रा के सूझबूझ से घटना को तो टल गई, लेकिन स्कूल पर इसके खिलाफ अभिभावक और इस इलाके के लोग जमकर हंगामा किया। स्कूल में तोड़फोड़ के साथ कुछ शिक्षकों के साथ लोगों ने मारपीट की। मौके पर भारी पुलिस और दंगा नियंत्रक बल के साथ डीएसपी अनोज कुमार खुद पहुंच गए। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर किसी तरह भीड़ को तितर बितर किया। आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर स्कूल से निकाला गया, साथ ही स्कूल में फंसे बाकी बच्चे को भी सुरक्षित बाहर किया गया और स्कूल को पूरी तरह से सील कर दिया गया। स्कूल में सैटरडे के दिन हम लोग का एग्जाम था। हम लास्ट बेंच पे बैठे थे और सर उसी बेंच पे आके हमको गंदा गंदा वीडियो दिखा रहे थे। हम लोग नहीं देख रहे थे तो जबरदस्ती दिखला रहे थे सर। कौन सर थे, क्या नाम था उनका? आनंद सर थे। आनंद सर, और क्या उसके बाद क्या मतलब कि दिखाने के बाद क्या कुछ बोलता भी था, बोला भी था वो? हाँ, दिखाने के बाद वो पूछ रहे थे कि कैसा लगा देखने में। अच्छा लगा। उसके बाद छुट्टी हो गया। ये कभी और भी बच्चे को भी दिखलाया था? नहीं, कभी बच्चे को ये सब दिखलाता था उतना हमको नहीं पता है। हाँ। मगर मेरी फ्रेंड लोगों को बैट टच करते थे। अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ते बेटा? पब्लिक स्कूल लालबाग। कौन सी क्लास में? 5B में। रोल नंबर कितना है? 1। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, जो ये मामला सुबह 7 बजे से हो रहा और अभी घड़ी का टाइम 9:30 बज रहा। पुलिस बुलाई जाती है हम लोगों की तौर पर और स्कूल प्रशासन उसको बचाने की पूरी कोशिश में लगी है। जाना ये था कि हम जब आए हैं स्कूल में, हमको मालूम हुआ, देखा 4 बच्ची प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में प्रिंसिपल के बगल में खड़ी थी। तो मैंने बच्चियों से पूछा कि क्या बात है बाबू, क्या मामला है? उसमें से एक बच्ची रोते रोते कि भैया हमको 2 दिन से ये टीचर जो है मोबाइल में मूवी दिखा रहे थे, मेरे पीपा हाथ रख के पूछ रहे थे बढ़िया है अच्छा है। कौन सा मूवी दिखा रहे थे? वो ब्लू फिल्म। उसके बाद हम नहीं देखे तो मेरा उंगली बोले कैसे दावे देखे, उंगली मेरा जख्मी है। हमने इस बात को बोला, हम प्रिंसिपल से बोले कि भाई कहाँ है वो सर, क्योंकि देखिए जो मामला आज के देश में पूरे देश में जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये दूसरा माहौल बना हुआ है, देश पूरा उजड़ा हुआ है।
मैसेज पूरे देश में किसी लाल बात होगी किसी का टीचर का नाम हुआ आनंद आनंद कौन से साइकिल वो शायद हम तो हम भी पढ़े हैं एसएससी के स्टूडेंट टीचर के आप क्या मालूम है क्या पढ़ाते हैं डॉक्टर जमाल हसन मामला क्या हुआ इसे स्कूल के अंदर सूचना मिली कि स्कूल में कुछ बच्चे जो पढ़ती हैं टीचर एवं अन टीचर के द्वारा जो है कि गलत पिक्चर दिखा करके उसके साथ छेड़खानी किया गया है। इस संबंध में टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रिंसिपल को भी तत्काल जो है कि अपने अथी में लेकर के आवश्यक पूछताछ हेतु को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जितने भी प्रकार के मैसेज हैं सभी को हम लोग कलेक्ट कर करके उन लोगों पर जो लोग इस हरकत को किए हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सजा दिलाएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे कि इस तरह की घटना पुनः दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, लोग जाने कि टीचर हो या कोई भी हो सभी पर कार्रवाई होती है। सर क्या कुछ वीडियो क्लिप भी उनके मोबाइल से जब्त हुआ उनसे मिला है क्या? उस संबंध में हम लोग निकाल लेंगे जो भी प्राप्त होगा, अभी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, मोबाइल को जो है प्राप्त किया गया है उसे हम लोग निकाल लेते हैं, विधि व्यवस्था ठीक कर लेते हैं और अनुमंडल पदाधिकारी को भी बुलाया गया है, वो भी आ गया है और इस पर जो है कि अगर इस तरह के प्रिंसिपल और अन्य टीचर की संलिप्तता पाई जाएगी तो विधि सम्मत इस स्कूल को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल स्कूल कब तक बंद रहेगा? स्कूल तत्काल जो है कि बंद कर दी गई है, सभी बच्चे अपने अपने यहाँ से सर्च करा लिया गया है, चले गए हैं, इस पर विधि सम्मत कार्रवाई। जो जो टीचर पकड़ा है उनका बैकग्राउंड क्या है सर, नाम क्या है उनका? तो बैकग्राउंड उस पर जांच किया जाएगा, अगर बैकग्राउंड होगा तो वो भी अंकित करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। सर लोगों का गुस्सा काफी था, चरम पे था, तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा, बल प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा है कि गुस्सा होना लाजमी है, ये ऐसी घटना है जो टीचर जो देश को बनाते हैं बच्चे के और वो टीचर भी बच्चे के साथ गलत हरकत करते हैं, इसको तो शर्म से डूब के अपने स्वतः मर जाना चाहिए। बच्चे दहशत में हैं और अभिभावक नहीं, अभी बच्चे दहशत और गार्जियन को नहीं है, हम अपील करना चाहते हैं कि इस संबंध में जो है कि शांति बनाए रखें और किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस यहां कैंप करेगी और हर व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करेगी। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी तक 2 व्यक्ति की और इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे, जिन जिन की भी देखने या दिखाने की बात पाई जाएगी उसमें किसी भी प्रकार को किसी भी टीचर को बख्शा नहीं जाएगा। सर सीसीटीवी पूरे स्कूल में नहीं लगा हुआ है जो काम नहीं कर रहा, कुछ लगे भी होते काम नहीं कर रहे, लैप्सेज नजर आ रहा है स्कूल का प्राइमरी स्टेज में, तो ये तो जाँच का विषय है। अगर सीसीटीवी जो निर्देश दिया गया उसका पालन नहीं किया गया उसका अलग से कांड दर्ज किया जाएगा। जानबूझ के भी सीसीटीवी को बंद किया गया क्या ऐसा लगता है? इस संबंध में अभी जांच कर लेते हैं, अभी तो जांच शुरू प्रारंभ हुई है। सर एक बात बताइए, स्थिति क्या है सर? सारे पब्लिक स्कूल हैं, जितने सारे वो नियम की अनदेखी करते हैं। इस संबंध में तो जो है कि अनुमंडल पदाधिकारी आ रहे हैं, उस संबंध में सारे अथी को जांच किया जाएगा, जो भी नियम है कुल नहीं खड़े उतरेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। स्थिति क्या है सर, जो भीड़ था उस नियंत्रण सबसे नियंत्रित में है, यहाँ के सब लोग अच्छे हैं। थैंक यू।